नमस्कार। आज स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से कुछ प्रसाद प्राप्त करें। इसमें ऋषियों और श्री सुत जी का संवाद है और इसमें कहा गया कि तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु की भुवन पावनी कथा का जो सर्वदा श्रवण करते हैं वे इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। यहाँ से लेकर के पुराण श्रवण की महिमा और कुछ नियम बताए हैं, यही हम आज पढ़ने वाले हैं। कहते हैं, संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा को सर्वदा श्रवण करने में यदि कोई समर्थ न हो तो दो घड़ी, एक घड़ी अथवा एक क्षण भी जो भक्तिपूर्वक इसे श्रवण कर लेता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। इसी से शायद हमको सिखाया गया एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, ये शायद यहीं से आया है। फिर कहते हैं कि संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है वही फल मनुष्य एक बार पुराण कथा का श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये दो ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। यदि कोई बड़ा प्रयत्न करके अमृत ही पी ले तो भी वो अकेला ही अजर अमर होता है, परंतु भगवान विष्णु का कथा रूप अमृत ये तो समस्त कुल को ही अजर अमर बना देता है। पुराण का जानने वाला विद्वान, बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों न हो, वह पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेत्ता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए व्यासासन पर बैठ जाए तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वह किसी को प्रणाम न करे। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हो तथा जिस घर में जुआ खेला जाता हो वहाँ विद्वान पुरुष पवित्र कथा को न कहे। जो उत्तम ग्राम हो, जहाँ अच्छे लोग बसते हों, जो उत्तम क्षेत्र, पवित्र देवालय अथवा नदी का पवित्र तट हो वहीं विद्वान पुरुष पवित्र कथा बाँचे। जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त हों, अन्य कार्यों में जिनका मन न लगा हो तथा जो मौन, पवित्र और शांत भाव से सुनते हों, ऐसे श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं वे नरक में पड़ते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं वे नरकों को भोगकर अंत में कौवे होते हैं। जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं। जो प्रणाम न करके कथा सुनते हैं वे विष वृक्ष होते हैं और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं वे अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है वो पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं वे कुत्ते होते हैं। जहाँ कथा बांची जाती हो उस समय जो दुष्टतापूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं वे गधे होते हैं और उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोग कर अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वेत्ता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र तथा चौकी देते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर के मनोवांछित भोगों को भोग कर ब्रह्मादि देवताओं के लोकों में स्थित होते हैं और निरामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुराण के बैठने के लिए यानी पुराण रखने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं वे प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस तरह से कथा की महिमा, कथा सुनने की महिमा, कथा कहाँ बाँची जाए कहाँ न बाँची जाए ये, और किस तरह से सुनी जाए किस तरह से नहीं सुनी जाए ये, और फिर आसन की महिमा, ये छोटे से पुराण प्रसाद में हमको श्री सुत पुराणी ने बहुत सारा प्रसाद दिया है। आज हमने इसका आनंद लिया। आज इतना ही। आप सबको प्रणाम।